एवरीवन, दिस इज अमन अग्रवाल। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं TCS NQT रिजल्ट डेट के बारे में। काफी स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं अपने TCS NQT रिजल्ट का। काफी स्टूडेंट्स ने TCS NQT का एग्जाम दिया है 15 मार्च, 30 मार्च, एंड अब बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं अपने TCS NQT रिजल्ट का। सो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको TCS NQT रिजल्ट डेट तो बताने वाला ही हूँ, एंड ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है बिकॉज इस वीडियो के अंदर एक इम्पोर्टेंट एंड एक बिगेस्ट अनाउंसमेंट होने वाली है, एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन गाइडेंस भी बताने वाला हूँ कैसे आपको TCS NQT का इंटरव्यू क्रैक करना है, एंड कुछ रिसोर्सेज भी देने वाला हूँ। सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ध्यान से देख लेना। एंड जितने भी स्टूडेंट्स ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो वेट मत करो, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जैसे वीडियो अपलोड करूंगा आप सभी स्टूडेंट्स तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रिजल्ट डेट के बारे में। रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड फेस वाइज। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि भैया सारा का सारा रिजल्ट, हर एक स्टूडेंट्स का रिजल्ट एक पर्टिकुलर डेट पे आ जाएगा, बट ऐसा नहीं है। जो रिजल्ट अनाउंस होगा वो फेस वाइज होगा। अब फेस वाइज का मतलब क्या है ये मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता देता हूँ। जैसे आप सभी स्टूडेंट्स का फेस में क्या हुआ है, फेस में आपका TCS NQT एग्जाम हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स का 15 मार्च को हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स का 15 मार्च को हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स का 20 मार्च को हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स का 30 मार्च को हुआ है, कुछ का 31 मार्च को हुआ है। तो ये क्या हुआ है, देखो TCS इतना बड़ा एग्जाम कराती है, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, एंड यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स प्लेस्ड होने वाले हैं 2024। जो बिल्कुल प्लेसमेंट्स का बिल्कुल ये मान लेना वर्स्ट बैच माना गया था, वहाँ पे भी TCS की हेल्प से काफ़ी स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए हैं। ऑलरेडी इस चैनल की हेल्प से 100+ स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए TCS NQT की हेल्प से, एंड निंजा डिजिटल प्राइम मल्टीपल प्रोफाइल पे यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। अब मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 15 मार्च को दिया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 20 मार्च को दिया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 30 मार्च को दिया है, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 31 मार्च को दिया है। सो हर एक स्टूडेंट्स के अलग अलग डेट रहने वाली थी, एंड मैं यहाँ पे बता देता हूँ रिजल्ट। अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ, अगर हम एनालिसिस करें 2024 का, 2023 का, सो 1 मंथ के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है। जब भी आपने एग्जाम दिया है उसके 1 मंथ बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब आप सोचोगे कि भैया 15 मार्च को हमने एग्जाम दिया है एंड 15 अप्रैल हो चुकी है, अब तक रिजल्ट नहीं आया। सो गाइज, 2 to 3 days हो सकता है, एक दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, हो सकता है 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाए, बट गारंटीड इस मंथ के अंदर, अप्रैल मंथ के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अभी से अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना, रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। कुछ कुछ दिन जा रहे हैं, हो सकता है कल को अपलोड हो जाए, परसों को आ जाए, ठीक है, तो बहुत जल्दी आपके रिजल्ट आ जाएंगे। एंड जैसे मैंने बताया, फेस वाइज रिजल्ट आएंगे, ठीक है, 15 मार्च को जिन्होंने दिया उनका रिजल्ट आएगा, फिर 20 का, फिर 30, फिर 31, सो फेस वाइज आने वाला है। सो ये मत सोचना कि भैया उस कैंडिडेट का रिजल्ट आ गया, मेरा नहीं आया। मैंने पहले ये चीज़ क्लियर कर दी है कि फेस वाइज रिजल्ट आएंगे, एंड बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएंगे, हो सकता है कल को आ जाए, वो परसों को आ जाए, जैसे मैं बता रहा हूँ, बहुत जल्दी आपके रिजल्ट आ जाएंगे, इस मंथ के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले इंटरव्यू प्रिपरेशन की। देखो, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला रिजल्ट के बाद इंटरव्यू प्रिपरेशन करने का, एंड इंटरव्यू के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स आने वाले हैं। निंजा प्रोफाइल पे बहुत सारे आप स्टूडेंट्स देखोगे, डिजिटल पे, प्राइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आने वाले हैं। अब इंटरव्यू क्रैक वही स्टूडेंट्स कर पाएगा। देखो, इंटरव्यू एक लास्ट स्टेप है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है TCS के अंदर, इंटरव्यू इज द लास्ट स्टेप। अब अगर आप इंटरव्यू क्रैक करोगे तभी आप ऑनबोर्ड होगे, तभी आप TCS के अंदर फाइनल ऑफर लेटर लोगे। अब TCS का इंटरव्यू क्रैक करना, देखो इतने सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे, सो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा। सो आपको प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर देनी है। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए टॉप 20 इंटरव्यू क्वेश्चन शीट बनाई है, एंड ये क्वेश्चन सारे के सारे, ये मान लेना ये टॉप नॉच लेवल क्वेश्चन होने वाले हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन TCS के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मस्ट वॉच, मस्ट डू दिस क्वेश्चन। ये मतलब क्वेश्चन ऐसे है, काफी ज्यादा एनालिसिस किया है मैंने, मेरी टीम ने, एंड इस कंप्लीट शीट को बनाया गया है, एंड इस कंप्लीट शीट को काफ़ी पैरामीटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को देख के रखा गया है कि यार ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। सो ये 20 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, एंड 100% गारंटी है हर एक स्टूडेंट को इसमें से क्वेश्चन जरूर मिलेगा, चाहे आपको 2 क्वेश्चन मिले 3 क्वेश्चन मिले। सो ये शीट कैसे मिलने वाली है ये भैया बता दो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन
एंड पिन कमेंट के अंदर मेंशन कर दूंगा। चलते हैं पीडीएफ की तरफ। गाइस डायरेक्टली आ जाना है आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी प्रोफाइल पे। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा, टॉममेट का लिंक मिल जाएगा एंड यहाँ पे आके आप सभी स्टूडेंट्स के लिए टॉप 20 शीट यहाँ पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपको जाना है टॉप 20 टीसीएस एनक्यूटी इंटरव्यू शीट पे, टॉप 20 टीसीएस एनक्यूटी इंटरव्यू शीट। एंड जैसे मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बताया है, ये कंप्लीट शीट आपको काफी हेल्प करने वाली है आपके अपकमिंग इंटरव्यूज में। अभी के अभी इसको एक्सेस कर लेना, ये बिल्कुल फ्री है, ये मान लेना 11 rupees जस्ट अ टोकन अमाउंट, ठीक है। आप यहाँ से ग्रैब कर लेना इसको अभी के अभी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा एंड कमेंट सेक्शन के अंदर भी पिन कर दूंगा। एंड अगर जितने भी स्टूडेंट्स को अपना मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कराना है, आप अपना मॉक 1-to-1 इंटरव्यू राउंड भी कंडक्ट करा सकते हो मेरे साथ। यहाँ पे आपको टाइम स्लॉट यहाँ पे ले लेना है, जैसे यहाँ पे 15 अप्रैल, यहाँ पे आप अपना टाइम स्लॉट ले सकते हो 10:30 कंटिन्यू पे आपको जाना है। उसके बाद यहाँ नेम, ईमेल, व्हाट इज द कॉल अबाउट एंड फोन नंबर एंड यहाँ पे आपको कंफर्म एंड पे करके अपना मॉक इंटरव्यू अपना शेड्यूल करा सकते हो। सो गाइस अभी के अभी हर एक स्टूडेंट्स को टॉप 20 सीट तो बिल्कुल भी मत लेना, भूलना। एंड जितने भी स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस के लिए मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कराना है, आप सभी स्टूडेंट्स मॉक इंटरव्यू भी कंडक्ट करा सकते हो। फाइनली बैक टू द बिगेस्ट अनाउंसमेंट। जैसे मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग में ही बोला था कि इस वीडियो के अंदर आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है। सो भैया वो अनाउंसमेंट क्या है? आप सभी स्टूडेंट्स के अपकमिंग टीसीएस एनक्यूटी के इंटरव्यू शेड्यूल होने वाले हैं। सो वी आर लॉन्चिंग अ बिगेस्ट टीसीएस एनक्यूटी इंटरव्यू प्लेलिस्ट एंड ये ऐसा टॉप नॉच लेवल कंटेंट, ऐसी प्लेलिस्ट बिल्कुल टॉप नॉच लेवल एंड बिल्कुल फ्री में आने वाली है। आप लोग कहोगे कि भैया ऐसा कंटेंट पेड में भी नहीं मिलता है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, बहुत सारे यूट्यूबर आपको पेड कंटेंट, पेड कोर्सेज बेचेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मत खरीदो, बट आप लोगों के लिए ऐसा कंटेंट फ्री में अवेलेबल आपके भैया कर रहे हैं, दाबी टेक फैक्ट्री चैनल कर रहा है। आपको बस एक कंडीशन रहने वाली है एंड बहुत सिंपल सी कंडीशन है, सब्सक्राइब हर एक स्टूडेंट्स को करना ही करना है। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत आप सभी स्टूडेंट्स को नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी एंड टीसीएस इंटरव्यू प्लेलिस्ट यहाँ पे थोड़ा सा टारगेट रहेगा 100 comments। मुझे पता है 100 comments कुछ नहीं है, एक मिनिमम है। देखो मिनिमम 3-4K views 3,000-4,000 स्टूडेंट इस वीडियो को देखने वाले हैं, ठीक है। एंड मैं इसमें से बोल रहा हूँ 100 comments ओनली, वी नीड 100 comments यहाँ पे, सिर्फ हमें 100 comments चाहिए। हो सकता है इस प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो कल को आ जाए, परसों को आ जाए। टीसीएस इंटरव्यू प्लेलिस्ट आपको कमेंट करनी है 100 comments अभी के अभी। वीडियो स्टॉप करो, अभी के अभी अपनी कमेंट्स लाइनअप कर दो टीसीएस इंटरव्यू प्लेलिस्ट, ठीक है। अब हम बात करने वाले कट ऑफ के बारे में। सो जैसे मैंने पहले बताया, निंजा की कट ऑफ 50-60% रहने वाली। एडवांस सेक्शन इज नॉट नेसेसरी फॉर निंजा प्रोफाइल, कोडिंग इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। ये आपका डिजिटल एंड प्राइम के लिए रहने वाला है। अगर आप डिजिटल एंड प्राइम के लिए जाने वाले हैं तब आपको एडवांस एंड कोडिंग करना पड़ेगा। सेम डिजिटल के लिए 60-65, एडवांस 50-60%, 1 question मिनिमम आपका कोडिंग के अंदर होना चाहिए। प्राइम की बात करूं, यहाँ पे 65-70% फाउंडेशन सेक्शन, एडवांस सेक्शन 65-70%, कोडिंग के अंदर 1.5 तो मिनिमम है एंड 2 coding question 4 safe zone। तो ये प्राइम की कट ऑफ थी। अब हम बात करने वाले इंटरव्यू टॉपिक्स की। ये टॉपिक्स नोट डाउन कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। ये सारे के सारे आपको इंटरव्यू प्लेलिस्ट, जो हम टीसीएस इंटरव्यू प्लेलिस्ट बना रहे हैं, उसके अंदर सेपरेट वीडियो आने वाली है। काफी वन शॉट आने वाले हैं, ऊप्स इंटरव्यू वन शॉट, एसक्यूएल इंटरव्यू वन शॉट, ये कर लेना टॉपिक्स अच्छे तरीके से। डीबीएमएस इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट डाउन कर लेना, बार बार बोल रहा हूं। ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है बट बेसिक पढ़ लेना, मैं आपको वीडियो में कवर करा दूंगा। एंड उसके बाद आपका हो गया आपका एचआर क्वेश्चंस, उसके बाद आपका रेज्यूमे, व्हाट एवर यू मेंशन इन योर रेज्यूमे दिस इज अ ट्रू इन्फॉर्मेशन। जो भी आप रेज्यूमे के अंदर मेंशन कर रहे हो वो बिल्कुल राइट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। प्रोजेक्ट, हाउ टू एक्सप्लेन प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से कर लेना। एंड डीएसए के थ्योरी क्वेश्चन, ये अच्छी तरीके से कर लेना। अगर मैं कोडिंग की बात करूं, सो कोडिंग के अंदर एरे स्ट्रिंग पे कोडिंग क्वेश्चन कर लेना, इनफ। एंड नंबर सिस्टम, एरे स्ट्रिंग नंबर सिस्टम। एंड जो स्टूडेंट्स प्राइम के लिए जा रहे हो थोड़ा बहुत एडवांस पढ़ लेना, डिजिटल के लिए जा रहे हो थोड़ा एडवांस कोडिंग क्वेश्चन पढ़ लेना, लाइक स्टैक, क्यू,
ट्री, थोड़े बहुत बेसिक क्वेश्चन देख लेना, ये सारे के सारे टॉपिक आपको करके जाना है अगर आपको TCS का इंटरव्यू क्रैक करना है। तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर हमने इंटरव्यू टॉपिक्स देख लिए, कट ऑफ देख ली, ठीक है, अनाउंसमेंट मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बता दिया है। अभी के अभी TCS इंटरव्यू प्लेलिस्ट 100 कमेंट सभी कर दो, मैं बोल रहा हूँ 100 कमेंट सभी कर दो, वीडियो स्टॉप करो अभी के अभी कमेंट कर दो। आप लोगों के लिए बहुत जल्दी ये टॉप नॉच लेवल कंटेंट आ जाएगा, हो सकता है कल परसों के अंदर वीडियो स्टार्ट हो जाए, ठीक है। सो अभी के अभी आप लोग को 100 कमेंट्स करनी है एंड रिजल्ट के बारे में मैंने बता दिया है। सो वेट करो अपने रिजल्ट का, बहुत जल्दी आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे एंड इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएंगे। सो गाइस होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना एंड जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।